हे गाइस, वेलकम टू इंडिया डिजिटल टच। मेरा नाम है देवाशीष और यहाँ पे Xiaomi की तरफ से एक बहुत ही बड़ा एंड सैड न्यूज़ सामने निकल के आया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ Xiaomi के फ़ोन्स की, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी नज़रिए से दो ही चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा पॉपुलर है। तो सबसे जो पहला रीज़न है, बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ जो है फ़ोन्स वगैरह लॉन्च करते हैं, यानी कि हम लोग को वैल्यू फॉर मनी फ़ोन्स वगैरह मिलते हैं। और दूसरा रीज़न है उन लोगों का अपडेट। अब जिन लोगों को नहीं मालूम है कि Xiaomi का जो फ़ोन्स वगैरह है, बहुत ही लंबे समय तक जो है Xiaomi अपना सॉफ्टवेयर का अपडेट वगैरह देते रहते हैं, इसी वजह से Xiaomi का जो फ़ोन्स वगैरह है इतना ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन अब यहाँ पे मैं है नहीं कहूँगा, बस था कहूँगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को शायद कुछ दिन पहले ही मालूम पड़ा होगा कि Redmi Note 3 में सॉफ्टवेयर का जो अपडेट है, यानी कि MIUI का जो अपडेट है, बंद कर दिया Xiaomi ने। अब चलो ठीक है, ये बात थोड़ा हद तक हजम हम लोगों को हो गया, क्योंकि Redmi Note 3 में लगभग 3 साल तक हम लोगों को अपडेट वगैरह मिला। जब Redmi Note 3 लॉन्च हुआ था, MIUI 7 के साथ लॉन्च हुआ था, उसके बाद 8 का अपडेट मिला, 9 का अपडेट मिला, 10 का अपडेट मिला। चलो ठीक है, 3 साल तक कोई भी कंपनी नहीं देती है, Xiaomi ने दे दिया 3 साल तक अपडेट। चलो इस बात को हम लोग हजम कर लेंगे। इसके बाद फिर से उन लोगों ने अपडेट दिया कि अब से जो है Mi Max एंड Mi Max Prime, जो कि Redmi Note 3 के जस्ट कुछ दिन बाद ही ये जो फ़ोन है वो लॉन्च हुआ, इन सारे फ़ोन्स में भी Xiaomi ने कह दिया कि अब से कोई भी अपडेट वगैरह नहीं मिलेगा। चलो ये बात भी हम लोगों को थोड़ा हद तक हजम वगैरह हो गया। इसके बाद Xiaomi ने एक और पोस्ट डाला, इसके बाद उन लोगों ने कहा कि अब से जो है Redmi 3S, 3S Prime, Redmi Note 4, Redmi 4 एंड Redmi 4A, इन सारे फ़ोन्स में अब से जो है बीटा अपडेट्स हम लोग बंद करने जा रहे हैं, अब से कोई भी बीटा अपडेट्स नहीं मिलेगा। चलो इस बात को भी हम लोग ना समझ के भी हजम वगैरह कर लिए, क्योंकि इन सारे फ़ोन्स में भी लगभग 2-2.5 साल तक का अपडेट वगैरह मिला। लेकिन अब जो है Xiaomi ने हद पार कर दी। क्यों? क्योंकि जस्ट कुछ दिन पहले, यानी कि जस्ट अगले साल की ही में अगर मैं बात करूं, तो Xiaomi ने 3 फ़ोन लॉन्च किया, Redmi 6, 6A एंड Redmi Y2, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी फ़ोन है। और Redmi Y2 में सबसे पहले जो है MIUI 10 का भी अपडेट वगैरह आया था, लेकिन अब जो है Xiaomi ने इस चीज़ को कायम नहीं रख पा रहा, यानी कि जो अपडेट वगैरह है वो धीरे धीरे बंद करने जा रहा है। तो फिलहाल कुछ दिन पहले की ही बात है, Xiaomi ने अपने ऑफिशियल MI फोरम पे पोस्ट डाला कि हम लोग जो है Redmi 6, 6A एंड Redmi Y2, इन सारे फ़ोन्स में Android Pie का जो अपडेट वगैरह है वो रोल आउट करेंगे, यानी कि इन सारे फ़ोन्स में Android Pie का अपडेट मिलेगा। लेकिन अब जो है Xiaomi ने इस बात को पूरी तरीके से मतलब डिनाई कर दिया कि हाँ, अब से जो है इन सारे फोन्स में जो हम लोग एंड्रॉयड पाई का अपडेट जो है देने वाले थे, उसे हम लोग सस्पेंड कर दिए, यानी कि पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिए, अब कोई भी पाई का अपडेट नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इस बात का कहीं ना कहीं एक और रीज़न निकल के आता है कि MIUI जो 11 आने वाला है, उसका अपडेट भी हो सकता है कि आप लोगों को 90% मेरे हिसाब से 90% आप लोगों को MIUI 11 का भी अपडेट ना मिले Redmi 6, 6A एंड Redmi Y2 यूजर्स के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है, यानी कि Xiaomi एक एक करके लगभग सारे फ़ोन्स में अपडेट वगैरह जो है बंद किए जा रहे हैं एक एक करके, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लेकिन अभी अगर आप पूछे कि इसका प्रूफ क्या है, तो आइए मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा देता हूँ। सो गाइस, आप आते हैं प्रूफ के ऊपर, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे आया हूँ MIUI के फोरम के ऊपर, और ये रहा इसका URL, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो पोस्ट है वो ऑफिशियल पोस्ट है, जस्ट ये जो पोस्ट है एक चाइनीज़ लैंग्वेज में पोस्ट है, जो कि मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र के ज़रिए जो इसे मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और ये एक एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा जो है पोस्ट किया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं Redmi 6A, यानी कि Redmi 6A प्लेन चेंजेस सस्पेंशन ऑफ रिक्वायरमेंट। उसके बाद Redmi 6, यानी कि Redmi 6 प्लेन चेंजेस सस्पेंशन ऑफ रिक्वायरमेंट। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ, तो Redmi S2, यानी कि Redmi Y2 प्लेन चेंजेस सस्पेंशन ऑफ रिक्वायरमेंट। तो इन तीनों फोन्स में अब जो है कोई भी पाई का अपडेट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, एंड्रॉयड जो ओरियो है जो अभी आपके फ़ोन में रन कर रहा है उसका अपडेट मिलेगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब यही है कि 99% चांसेस यही आता है इसमें कि हो सकता है कि आप लोगों को MIUI 11 का अपडेट ना मिले। सो गाइस, ऐसा करता हूँ, आप लोगों को ये न्यूज़ सुन के थोड़ा बहुत ख़राब तो लगा होगा, लेकिन न्यूज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके रिगार्डिंग अगर आप लोग कमेंट में अभी भी कुछ डाउट्स वगैरह है, तो अपनी जी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बता सकते हैं। और इसी तरीके का और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप इंडियन डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।